नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। इंटर के कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए खर्च करने होंगे रुपए। शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपतियों को जाने की राजभवन ने दी अनुमति। बिहार में आज से दूसरे फेज के लिए नामांकन हुआ शुरू। मनरेगा के नई रेट के तहत बिहार के मजदूरों को प्रतिदिन मिलेंगे इतने रुपए। IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने रचा इतिहास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटर की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए खर्च करने होंगे रुपए। इंटर की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए रुपए खर्च करने होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से स्क्रूटनी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 4 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वो उस विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने के लिए समिति की वेबसाइट bacbinter.org और biharboardonline.com पर अप्लाई कर सकते हैं। मालूम हो कि छात्र और छात्राओं को स्क्रूटनी के लिए प्रति विषय 120 रुपए का भुगतान करना होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और उसमें नामांकन का आज आखिरी दिन है। चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी आज अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। पहले चरण के तहत जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद में चुनाव होगा। महागठबंधन की ओर से राजद के सभी 4 उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, जबकि एनडीए की ओर से गया में हम, जमुई में LJPR, नवादा और औरंगाबाद से भाजपा के उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जमुई में राजद की ओर से अर्चना कुमारी दास और LJPR से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में है। गया की सीट पर हम और RJD में टक्कर होने वाला है। नवादा और औरंगाबाद में RJD और भाजपा में भिड़ंत होगी। शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसी बीच नवादा जिले में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। इस हमले में थाना प्रभारी समेत जवान गंभीर रूप से घायल हुए। ये पूरा मामला जिले के काशीचक थाना क्षेत्र का है। यहाँ स्थित मधेपुरा गांव में शराब के तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और इस हमले में काशीचक के थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य 3 पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। पुलिस की टीम यहाँ सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान इन पर शराब के तस्करों ने हमला कर दिया। बिहार की केशर राज ने राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बढ़ाया मान। बिहार की केशर राज ने राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। सब जूनियर अंडर 14 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि भारतीय तलवारबाजी संघ की ओर से 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आंध्र प्रदेश में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और पूर्वी चंपारण की खिलाड़ी केसर राज ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। वहीं इस प्रतियोगिता में नाम रोशन करने के बाद उन्हें मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपतियों को जाने की राजभवन ने दी अनुमति। शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपतियों को जाने की राजभवन ने अनुमति दे दी है। शिक्षा विभाग के द्वारा कुलपतियों और यूनिवर्सिटी के अन्य पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय बैठक और ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी कुलपतियों को बैठक में जाने की अनुमति दे दी है। खास बात यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक की बजाय बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार खुद करेंगे और उसके बाद अब ये चर्चा हो रही है कि शिक्षा मंत्री ने राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव को खत्म होने को लेकर खुद हस्तक्षेप किया है। बिहार में आज से दूसरे फेज के लिए नामांकन शुरू। बिहार में आज से दूसरे फेज के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में दूसरे फेज में भागलपुर, पूर्णिया, बांका, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में वोटिंग होगी और इन जिलों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर आज पहले चरण में नामांकन के लिए भी आखिरी तारीख है। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण का मतदान 25 अप्रैल को होगा। उसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मतों का फैसला जनता करेगी। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला लगभग तय है। एनडीए की ओर से बिहार में 40 सीट जीतने का दावा किया गया है। मनरेगा की नई रेट के तहत बिहार के मजदूरों को प्रतिदिन मिलेंगे इतने रुपए। केंद्र सरकार ने मनरेगा की नई रेट को जारी कर दिया है और उसके तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई रेट को जारी किया है।
उसके तहत बिहार के मजदूरों को प्रतिदिन 245 रुपए दिए जाएंगे, जबकि दक्षिण के राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए है। गोवा में वर्तमान मजदूरी दर पर 10.56% की अधिकतम बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मनरेगा की मजदूरी में 3 से 10% की बढ़ोतरी की है और 1 अप्रैल से नई दर लागू हो जाएगी। वीटीआर में दो बाघों की लड़ाई में एक की गई जान। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के मंगुराहा वन प्रक्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में एक बाघ की जान चली गई, जबकि एक बाघ जख्मी है और वो लापता है। उसकी खोज में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मारे गए बाघ की उम्र 8 साल थी और उसके पैर, चेहरे और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। दूसरा बाघ वीटीआर का था या नेपाल के चितवन का, इसकी जांच की जा रही है। वन विभाग की ओर से जंगल में लगे कैमरों की जांच हो रही है। वन कर्मियों की टीम घायल बाघ के पगमार्क की ट्रैकिंग कर रही है। फिलहाल इसकी तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में दो बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित। बिहार के मुजफ्फरपुर में दो बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित मिले हैं। इनमें से एक बच्चा बोचहां तो दूसरा सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। दोनों में चमकी बुखार के लक्षण मिलने के बाद इन्हें SKMCH में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि दोनों में AES की वजह से हाई ग्लाइसीमिया है। दो बच्चों में AES से पीड़ित हो जाने के बाद इन्हें SKMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इसके बाद इन्हें फिलहाल डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चा फिलहाल एडमिट नहीं है। इलाज के बाद बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जदयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जदयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री श्रवण कुमार सहित अधिकांश मंत्रियों को जगह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। नामांकन वापसी की तिथि खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के वरिष्ठ नेताओं का प्रचार अभियान शुरू होगा। पप्पू यादव ने बीमा भारती को बताया छोटी बहन। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बीमा भारती को अपनी छोटी बहन बताया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीमा भारती मेरी छोटी बहन की जैसी है। जहां तक चुनाव का सवाल है तो ये दिल्ली में तय होगा। गठबंधन के शीर्ष नेता इसे लेकर फैसला लेंगे। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा है कि वो दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। हमें पूर्णिया की माँ और बेटी से आशीर्वाद मिल चुका है। पप्पू यादव के करीबियों के अनुसार वो पूर्णिया के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीमा भारती को पूर्णिया के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए RJD की ओर से सिंबल दे दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव के लिए गया की संसदीय सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। गया जिले में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को NDA में सीट बंटवारे के दौरान 1 सीट मिली है। यहां मुख्य मुकाबला जीतन राम मांझी और राजद के कुमार सर्वजीत के बीच हो सकता है। आज गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना से रवाना हुए। बिहार की राजनीति में ग्लैमरस महिला की हुई एंट्री। बिहार की राजनीति में ग्लैमरस महिला की एंट्री हुई है। सोशल मीडिया पर इनके लाखों चाहने वाले हैं। रील से लेकर राजनीति में इनकी चर्चा होती है। आपको बता दें कि इनका नाम सीमा कुशवाहा है। ये एक ऐसी नेता है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती है। फेसबुक पर इनके 15 लाख से अधिक फॉलोअर्स है, जबकि इंस्टाग्राम पर इनके 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स है। ये काफी अधिक रील बनाकर भी अपलोड करती है। आपको बता दें कि सीमा कुशवाहा रोहतास जिले से संबंध रखती है और ये जिला परिषद भी रह चुकी है। अपने फॉलोअर्स के दम पर इनकी राजनीति में अच्छी पकड़ है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजद पर कसा तंज। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजद पर तंज कसा है। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव का टिकट फंसने पर और राजद के द्वारा अपने उम्मीदवार को उतारने पर आनंद मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राजद की नस नस में तानाशाही भरी है। जब भी ये पार्टी मजबूत होती है तो उनके सहयोगी दल दुबले हो जाते हैं। आनंद मोहन ने महागठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा किया है। आपको बता दें कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि एक पार्टी धनाधन सिंबल बांट रही है और एक दल
बस देख रही है। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने रचा इतिहास। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास रचते हुए पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को अपने होम ग्राउंड पर 31 रनों से हरा दिया है और टॉप थर्ड में अपनी जगह बना ली है, जबकि मुंबई इंडियंस की ये लगातार दूसरी हार रही। उसे एक स्थान का नुकसान झेलना पड़ा है। सीएसके का टॉप पोजीशन में अपना कब्जा बरकरार है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने इस जीत के साथ ही आईपीएल 2024 के टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस एक स्थान खिसक कर 9वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम दूसरे स्थान पर है, जबकि चौथे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबले में आपको किसकी बल्लेबाजी सबसे अच्छी लगी, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, रंजीत कुमार झा, राजू कुमार सिंह, रवि कुमार राम, उमेश श्रीदेव, मोहम्मद शकीर हुसैन, गुण शर्मा, नौशाद राजा, संघर्ष कुमार, वेद प्रकाश सिंह, अनवर करीम खान। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, होली के बाद रंग अभी तक आपके शरीर से छूटा है या नहीं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।